हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा सब कुछ मैं आपको हमेशा की तरह पहले ही यहाँ पे बता रहा हूँ, तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया। जो भी है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पहले ही। सो कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहेगा, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। सो आज का भी अपना ट्रेड प्लान मैंने सुबह मॉर्निंग में शेयर किया था, राइट। कल रात को थोड़ा सा मैं अवेलेबल नहीं था, बिजी था, तो टाइम मिला तो मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दी थी सुबह ही। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखी थी उस आपको पता है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो ट्रेड्स बने थे निफ्टी में, आपको पता है यहाँ पे ये वाला एक सेलिंग जोन दिया था, यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना था अपने को, जिसका टारगेट यहाँ तक का एग्जैक्ट मैंने दिया था। आप नोटिस करोगे मार्केट ने पूरा बहुत अच्छा मूव दे दिया, लेकिन यहाँ पे एंट्री मार्केट ने अच्छे से नहीं दी। यहाँ पे मैं एक कैंडल क्लोज का इस लेवल के नीचे यहाँ पे वेट कर रहा था, अगर कैंडल क्लोज होती तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लेता और बहुत अच्छा ट्रेड होता था, बट काफ़ी लोगों ने अग्रेसिव एंट्री ली थी इसी कैंडल की क्लोजिंग पे, तो उन्होंने प्रॉफिट कैप्चर किया होगा। लॉजिकली वो सही नहीं था, बट ठीक है, जिन्होंने लिया अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक ये वाला लेवल दिया था मैंने आपको कॉल के लिए, यहाँ पे कॉल का ट्रेड मैंने बताया हुआ था, लेकिन आइडियली होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मार्केट जो पहले बनाता है ट्रेड वही वाला हमें लेना होता है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम पे ट्रेड जो कॉल का ये बना था सेकेंड बना था, तो ये रिस्की हो सकता था, मैंने ये अवॉइड किया इससे पहले। लेकिन बैंक निफ्टी में एक पुट का ट्रेड मार्केट ने बनाया था, तो वो वाला ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे इस लेवल के नीचे, यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड लिया था। एक छोटी कैंडल में ही 100 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला और यहाँ पे ही 500 रुपये का एक लॉट से प्रॉफिट आया। उसके बाद मैंने ये प्राइवेट जो मेंटरशिप ग्रुप है वहाँ पे मैंने अपडेट किया था और फिर मैंने यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया था छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ, रीसेंट प्रॉफिट के साथ। फिर तो उसके बाद मार्केट गया घूम फिर के, वापस जब नीचे आया तो यहाँ पे कई लोगों ने एंट्री बनाई है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट मैंने वो देखा नहीं, मैं ट्रेड अपना क्लोज कर चुका था, मैंने देखा नहीं, तो यहाँ पे अपना फिर कुछ और नहीं हुआ। तो जो भी है ये सारा रहा था जो मैंने आपको बताए थे वही मार्केट ने किया, ठीक है, एंड आई होप सब ने प्रॉफिट किया होगा। तो कल का प्लान क्या रहेगा अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी मैंने ट्रेड बताया था, आज दिन में हमने किया था ट्रेड क्रिप्टो में, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। एंट्री जब इस वाले ट्रेड में मैंने ली थी तो कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, एक्जैक्ट एंट्री लेते टाइम अपडेट किया था, एंड फर्स्ट टारगेट जो था मार्केट ने दिया जिस जहाँ पे 52% का रिटर्न देखने को मिला ओनली फर्स्ट टारगेट पे, राइट। तो सेकंड टारगेट तक मार्केट ने गया, फर्स्ट टारगेट पे ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 52% का, और मज़ा आ गया इसके अंदर भी। तो अगर आपको क्रिप्टो के ट्रेड्स फॉलो करने हैं तो आप उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ग्रुप सबके लिए फ्री है क्रिप्टो का। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, देख लेना, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, उस लिंक को ओपन करके फॉलो करके स्टेप्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये ग्रुप सबके लिए फ्री है। लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे इस ग्रुप में क्रिप्टो के ट्रेड के बारे में सब कुछ और इस ग्रुप के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का प्लान। तो निफ्टी का पहले डिस्कस करते हैं। देखो निफ्टी में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, ये लेवल है अपना 22,484 का लेवल, सो निफ्टी अगर कल इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है उस केस में क्या करेंगे, कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक करें, इस लेवल के नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के घूम फिर के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर, तो मैं तब जाके यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल फर्स्ट एंड ये रहेगा लेवल सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट लेवल है 22,535 एंड सेकंड टारगेट है, फाइनल टारगेट है 22,585 का, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि 70% कम से कम 80% क्वांटिटी जो है 70-80% क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करनी होती है, एंड जो बचे हुए लॉट्स हैं उनको सेकेंड टारगेट के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट का जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें ये मतलब होता है। तो ये है कल का पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आता है मार्केट, अगर डायरेक्ट ऊपर निकल जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ये वाला लेवल काम में आएगा मेरा, और ये लेवल है 22,585 का लेवल। तो कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे और अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को ऊपर अगर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूंगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूंगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,535 एंड 22,484 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला लेवल है एक बाइंग जोन जहाँ पे मैं कॉल बाय का प्लान करूंगा, और ये वाला लेवल है एक सेलिंग जोन जहाँ पे मैं पुट बाय का प्लान करूंगा। ध्यान रखना कि इन दोनों में से जो ट्रेड पहले बनेगा वही लेना है, दूसरा जो बनेगा वो नहीं लेना है, जो पहले बनेगा वही लेंगे। नाउ अगर मान लो थोड़ा सा नीचे अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो रहा है, इस वाले एरिया में कहीं अगर ओपन हो रहा है
इस वाले एरिया में अगर कहीं ओपन हो रहा है इन केस, तो उस केस में ये वाला लेवल है 22,350 का, ठीक है, ये लेवल काम में आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है ये वाला ट्रेड, तो ये वाला प्रेफर करेंगे कि कम लॉट से ही करें हम ये वाला जो मैं ट्रेड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। वेल, तो ये लेवल जो है मान लो कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे और इस लेवल पे आए और इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट इज़ 22,415 एंड 22,484 का फाइनल टारगेट कल के लिए ये वाला रहेगा। तो ये ट्रेड्स बनते हैं निफ्टी में, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी का थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर वन, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि आप आपको प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज हो। अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड सेकेंड पॉइंट, हाँ, अगर आपको सीखना है बेसिक टू एडवांस सब कुछ, बेसिक भी सारी चीज़ें प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की एंड एडवांस जो भी मैं ये लेवल्स के बेस पे जो ट्रेड करता हूँ, ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं प्लस इन लेवल्स के बेस पे कैसे प्लान करना है ट्रेड, कैसे ट्रेड लेना है, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है एडवांस बेसिक टू एडवांस सब कुछ, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11th मई से, 11th मई जो अभी आने वाला है सैटरडे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे। ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको इसका दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, जो लोग काफ़ी टाइम से वेट करें, क्योंकि फिर अगेन उसके बाद 2 या 3 हफ्ते के बाद क्लास होगी, एवरी वीक क्लास नहीं होती है, तो 2-3 हफ्ता उसके बाद फिर अगेन वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा भी वेट करना पड़े, बट एनीवेज ये हो गया। उसके बाद नंबर टू, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट के अगर कुछ अपडेट्स होंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। तो कम्युनिकेट अगर मुझे करना है कुछ आपके साथ, तो मतलब जो भी कम्युनिटी है मेरी उसके साथ अगर कम्युनिकेट करना है मुझे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो फ्री टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट के अपडेट्स को भी फॉलो करना, राइट। तो वो ज़रूर चलो, अगर आप उस पर नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे, तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे, ये दो कंडीशंस हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक टेलीग्राम चैनल्स वगैरह बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड काफ़ी लोग मेरे नाम से अकाउंट हैंडलिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक है वो, फ्रॉड है, बच के रहना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे बाद में रोते रोते मेरे पास मत आना कि अकाउंट हैंडलिंग करके आपने लॉस करा दिया। मैं अकाउंट हैंडलिंग करता ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ मेरा मकसद मेरे को करना ही नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं मैं ट्रेड्स यहाँ पे दे रहा हूँ, बस ये आप कर सकते हो। तो खैर, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि मेरा बैंक निफ्टी का कल का क्या प्लान है। सो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मेरे ये लेवल्स हैं। देखो, अगर मान लो पहली कंडीशन जो है इस लेवल के अगर ऊपर कहीं बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है और ये लेवल है 49,012 का, ठीक है, 49012 का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, तो उस केस में पहली कंडीशन बनेगी कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आए और इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, सो वी विल वेट एंड देखेंगे मार्केट जब वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगा। हम पुट का ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं वापस ऊपर आने का वेट करूँगा। जब वापस ऊपर आके इस लेवल के क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,195 एंड 49,372 का फाइनल टारगेट है, राइट। नाउ अगर मान लो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है लेकिन नीचे अगर नहीं आता है हमारे इस लेवल पे, आई ना अगर मार्केट ओपन होने का डायरेक्ट अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, सो उस केस में वी विल यूज़ दिस लेवल 49,372 का लेवल। सो यहाँ पे कहीं ओपन हो और मतलब कहीं भी गैप अप थोड़ा सा इस एरिया में ओपन होता है और ऊपर जाता है अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होने के बाद, तो इस लेवल पे आने का वेट करेंगे और इस लेवल को अगर आके ऊपर ब्रेक करे, ऊपर आके अगर इस लेवल के कैंडल क्लोज हो जाए, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, कॉल बाय का ट्रेड मैं नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके इस लेवल के क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,195 एंड 49,012, मतलब 49,000 कह सकते हो राउंड नंबर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टारगेट। नाउ ये जो ट्रेड्स हैं, मतलब यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, तो एक ये वाला लेवल है जहाँ पे अपना कॉल बाय का प्लान बन रहा है और एक ये लेवल है जहाँ पे मेरा पुट बाय का प्लान बन रहा है। इन दोनों में से जो पहले ट्रेड बनेगा वही लेंगे, दोनों नहीं लेना है। जो पहले ट्रेड बनाएगा मार्केट वही वाला ट्रेड हम लेंगे।
अगर मान लो मार्केट नीचे यहाँ पे कहीं ओपन होता है साइडवेज एरिया में, मतलब यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, एक सेकेंड, ओके, सो इस एरिया में कहीं भी अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, उस केस में ये लेवल काम में आएगा, और ये लेवल है 48,675 का लेवल। तो कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे, और अगर इस लेवल को नीचे आके ब्रेक कर दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे हमें पुट बाय का ट्रेड लेना। लेकिन ध्यान से सुनो, आगे मैं कुछ बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज होती है तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,508 एंड 48,349 का फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा ना, एक दो बार स्टॉप लॉस पहले हिट कराएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक आध बार मार्केट पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराए, एक बार तो हो सकता है करा ही दे, मार्केट नीचे आके ब्रेकआउट दे, वापस ऊपर जाए और स्टॉप लॉस हिट कराए, और फिर दोबारा री एंट्री मार्केट दे, नीचे आके क्लोजिंग दे, तो अगेन एंट्री बनेगी इसमें। तो एक बार री एंट्री अगर मिलती है तो वो भी हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा कल के लिए एक पुट बाय का ट्रेड। अगर यहाँ पे ओपन होता और ब्रेक करे नीचे इस लेवल को, तो पुट का ट्रेड लूँगा। और दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, वहाँ पे थोड़ा लॉट साइज जो है अपना यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, जो भी आपका होगा। बाकी कम लॉट्स वाले तो हैं तो छोटा जो भी प्रॉफिट होगा लेके निकलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुमारो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं कि जिनको भी क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा, तो आप में से काफ़ी लोगों की ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। डोंट वरी, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठा रहता। जब भी थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा मैं सबको एक साथ ऐड कर दूंगा। और जिनको ज्वाइन करना है ये, तो ये क्रिप्टो ग्रुप, तो यहाँ पे सारे क्रिप्टो का मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे मैं प्रोवाइड आपको कर देता हूँ, दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा वहाँ पे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन होगा ये वाला फॉर्म, जिसको फॉलो करके एंड फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या स्टेप्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। नंबर वन, आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना है, सो दैट आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सको। जो मैं ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप ट्रेड ले सको सेफ तरीके से, सही तरीके से। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रेडिंग है वो कैसे करनी है, कैसे फंड्स वगैरह को डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो मैं जो यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज, क्यों यूज़ करता हूँ उसके लिए आपके पास मैं आपको मैंने वीडियो बना के दे रखी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे एंड चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन है, ये वाला प्लेलिस्ट का सेक्शन, इस सेक्शन पे जाओगे तो आपको दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। सो जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, सो ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी। सो ये फ्री कोर्स मैंने पूरा प्रोवाइड कर रखा है क्रिप्टो का। जिनको भी इंटरेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अगर आप इसको एक बार देख लोगे, इन सारी वीडियोस को, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है। नाउ इसके अंदर जो ये फर्स्ट वीडियो है, व्हाई आई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया फॉर क्रिप्टो एफएनओ ट्रेड्स ओवर अदर एक्सचेंजेस, तो मैं क्यों यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज का, ये वाली वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, प्लस ये भी बता रखा है कि फंड्स को कैसे विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, और इंस्टेंटली यहाँ पे हो जाता है, और यूज़ कैसे करना है इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को, जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। देखो, मेजर जो रीज़न है इसको यूज़ करने के, ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड हम कर सकते हैं, लेकिन फंड्स को डिपॉजिट करना सारे प्लेटफॉर्म पे ईजी है, वो आप कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जब आती है ना बात विड्रॉ करने की, तो फिर वहाँ पे रोना धोना चालू हो जाता है सारे प्लेटफॉर्म्स का। वहाँ पे आपको पी टू पी यूज़ करना पड़ता है, फंड्स सेफ नहीं होते, सिक्योर नहीं होता आपका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अपने विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, सेफ तरीके से नहीं है। जैसे हम अपस्टॉक्स में, ज़ीरोधा में, ग्रो में फंड्स को डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सेम तरीके से इंस्टेंटली हम यहाँ से कर सकते हैं, विदाउट एनी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट के हम यहाँ पे कर सकते हैं सारी चीज़ें। प्लस आपका क्वेश्चन होता है कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो क्रिप्टो ये वाला जो डेल्टा एक्सचेंज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो FIU के अंडर, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में रजिस्टर्ड है। अब इससे क्या मतलब होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे करना लीगल है, राइट? तो लीगली हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छे से सेफ तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, बाकी मेजर जो और दूसरे रीजंस हैं वो मैंने आपको इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये था रीज़न डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने का। तो स्टेप नंबर वन, आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इन दोनों में से किसी एक लिंक को यूज़ करके। कौन सा लिंक यूज़ करना है? अगर आप
अगर आपने कभी भी पहले डेल्टा एक्सचेंज यूज़ नहीं किया है तो आप कोई सा भी अकाउंट लिंक ओपन करके अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अगर आपका पहले से ही ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपका अकाउंट है तो उस केस में फिर आप नीचे वाला लिंक ओपन यूज़ करना हो अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर आपका पहले से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है। ध्यान रखना कि जो आपने पहले वाला अकाउंट ओपन किया था उसमें जो ईमेल आईडी यूज़ की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ मत करना, यहाँ पे एक डिफरेंट ईमेल आईडी यूज़ करना, राइट। और दोनों में से जिस भी लिंक से आप ओपन करो अकाउंट, रेफरल कोड ज़रूर डाल देना बुल स्काउट, सो दैट आई नो कि आपने मेरे लिंक से यहाँ पे यूज़ किया, तभी उसको एक्सेस आपको मिल पाएगा उसमें ग्रुप में। एंड उसके बाद जब आपका अकाउंट रेडी हो जाए, अकाउंट के जो भी आपने बना लिया सब कुछ रेडी हो गया, तो उसके अंदर कुछ फंड्स ऐड कर लेना, सो दैट आप अकाउंट मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपका अकाउंट जो है रेडी हो जाए। आपका अकाउंट बन गया, फंड्स आपने डिपॉजिट कर लिए ट्रेड करने के लिए, जब आप तैयार हो उसके बाद फिर आप ये जो फॉर्म है फिल करके और मुझे टेलीग्राम पे अपनी यूज़र आईडी सेंड कर देना, ठीक है। ये वाला फॉर्म फिल करके और टेलीग्राम पे मुझे अपनी यूज़र आईडी सेंड कर देना, तो उसके बाद जो है आपको मैं एक्सेस दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। तो ये थे सारे प्रोसीजर्स, बाकी प्लेलिस्ट आप ये वाली देख लेना, इसका लिंक आपको यहाँ पे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ये वाला प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स, तो ये देख लेना पूरा। तो ट्रेडिंग के लिए पूरा फ्री कोर्स आपको मिल गया, ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म और कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ वहाँ पर बता रखा है वो मिल गया, प्लस कौन सा ट्रेड लेना है कब लेना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिली रही हैं, तो और क्या चाहिए, राइट। तो मज़े करो बस। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी, मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।